हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। गाइस, वीडियो तो स्टार्ट हो ही गया है, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। गाइस, आज मैं ये पोर्ट्रेट जो बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने दो फोटो को कॉम्बाइन करके बनाया है। इसमें मैंने दो नॉर्मली A3 साइज़ के ये पेपर है, तो बीच में डिवाइड करके अलग अलग फ़ोटो को ड्रा किया है मैंने। गाइस, इसमें कोई ग्रिड मैटर का यूज़ नहीं किया है मैंने, सिंपल जो मुझे एक टेक्निक आती है मैंने उसी का यूज़ करके ये बनाया है। इस टेक्निक का वीडियो मैंने प्रीवियसली डाल रखा है, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और गाइस, सेटिंग कैसे करनी है, आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये सब मैं बता बता के बोर हो चुका हूँ, तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। जो आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियसली वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो को देखने से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, तो इसीलिए ये देखना वीडियो बहुत जरूरी होता है कि हम हेयर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, सेटिंग कैसे कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ होनी तो उसको कैसे सुधार रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और इन्जॉय कीजिए। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell in. गाइस, ये जो मैम ने ड्रेस पहन रखी है, इसको मुझे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी है इसमें को बहुत ही केयरफुल तरीके से बनाना पड़ रहा था, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इसी चक्कर में फाइनली इसमें, क्योंकि इसमें कौन सी तरह की पेंसिल यूज़ करनी है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फोटो को ड्रॉ करनी पड़ती है। और गाइस, इसको बनाने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं कोई ऐसा पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ जिसमें इतना बारीक सा वर्क हो। और गाइस, इसी साथ साथ जो हम बात करें इस फोटो के बैकग्राउंड की, तो इस फोटो का बैकग्राउंड मैंने कहीं और से कॉपी किया था, क्योंकि इस फोटो के साथ मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं मिला था, इसके साथ एक प्लेन बैकग्राउंड था, तो मैंने ये अलग से अपनी तरफ से बैकग्राउंड सोचा और ये बनाया। गाइस, ये फोटो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर।